आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल MS गिल एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी और बीबी शांति की साखी सुनाएंगे। बीबी शांति एक सिख महिला थी जिनकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो गुरु जी के बजाय किसी अन्य आध्यात्मिक शिक्षक में विश्वास करता था। उसके नए परिवार ने सोचा कि वह हमेशा गुरु के बारे में बात करने के लिए पागल थी। वह लगातार प्रार्थना करती थी और वाणियों का पाठ करती थी। अपने शुद्ध हृदय से बीबी शांति के पति भी सिख बनने लगे। उनका पुल्ला नाम का एक बेटा था और परिवार में सभी लोग खुश थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, क्योंकि अचानक बीबी शांति के पति की मृत्यु हो गई। अब जब उसका पति आसपास नहीं था तो लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसके पूरे बटाला गांव में कोई भी उससे बात तक नहीं करता था। उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन बीबी शांति अपने विश्वास पर दृढ़ रहीं। उन्होंने अपने बेटे को गुरुओं की कहानियों और होठों पर भगवान के नाम के साथ बड़ा किया। पुल्ला भी गुरु हरगोबिंद जी के प्रति बहुत समर्पित हो गया। लड़का लगातार गुरु जी के दर्शन पाने की प्रार्थना करते हुए बड़ा हुआ। वो उससे कहती थी, यदि तुम सच में गुरु जी से प्रार्थना करो तो वो उत्तर देंगे, वो तुम्हें अपने दर्शन देंगे। पुल्ला ने खुद को उस दिन के लिए तैयार करने का फैसला किया जब गुरु जी उनसे मिलने आएंगे। उसने एक कपड़े में कुछ मिठाइयां बांध ली। उसने सोचा, गुरु जी किसी भी समय आ सकते हैं, इसलिए मुझे हमेशा उनके आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इस गन्ने की कैंडी को हर समय अपने पास रखूंगा। वह लगातार प्रार्थना करता था, सच्चे पातशाह, मैं केवल आपको देखना चाहता हूँ। इस दुनिया में मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। मैं आपके दर्शन की अभिलाषा रखता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका मुख देख सकूँ। पुल्ला बार बार इसी तरह प्रार्थना करता। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा कि कौन आ रहा है तो उसका हृदय खुल गया। ये गुरु जी और उनके कुछ सिख थे। गुरु हरगोबिंद जी सीधे वहां पहुंचे जहां भाई पुल्ला बैठे थे। यहां सच्चे पातशाह, यह आपके लिए है, पुल्ला ने उस कपड़े को खोलने की कोशिश करते हुए कहा जिसमें मिठाइयां थी। इसे कसकर बांधा गया था और वह इसे बहुत लंबे समय से अपने पास रख रहा था, इसलिए वह इसे खोल नहीं सका। मुझे तुम्हारी गांठें खोलने दो, गुरु जी ने कहा। भाई पुल्ला को पता था कि गुरु जी सिर्फ एक कपड़ा नहीं खोल रहे थे, वह उन्हें उनकी सांसारिक सीमाओं से मुक्त कर रहे थे। वह अपनी आत्मा को मुक्त कर रहा था। भाई पुल्ला के लिए कितना भाग्यशाली दिन है, कौन कभी जान सकता है कि वह कितना धन्य था। गुरु जी ने कहा, मैं और मेरे सिख भूखे हैं, पुल्ला हमारे लिए लंगर तैयार करो। जब गुरु भाई पुल्ला को लंगर बनाने के लिए कह रहे थे तो कुछ अन्य ग्रामीण अपनी छतों से देख रहे थे। उन्होंने कहा, पुल्ला और शांति इतने गरीब हैं कि वे रोज अपना पेट भी नहीं भर सकते, वे उन सभी लोगों को कैसे खिलाएंगे। हम देखेंगे, क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि वे हर किसी को खाना नहीं खिला सकते। गुरु हरगोबिंद जी ने उनके विचार पढ़े और भाई पुल्ला से कहा, जाओ और इस गांव के सभी लोगों को हमारे साथ लंगर खाने के लिए आमंत्रित करो। तो पुल्ला ने वैसा ही किया। गांव वाले पुल्ला और उसकी माँ को शर्मिंदा करना चाहते थे, इसलिए वे सभी आए, लेकिन कोई पैसा या खाना नहीं देने या खाना पकाने में मदद करने पर भी सहमत हुए। गुरु जी ने भाई पुल्ला से कहा, ये दो कपड़े ले लो, एक को दाल के ऊपर रखें और एक को चपाती के आटे के ऊपर रखें। जब तुम्हारी माँ खाना बना रही हो तो उससे कहो कि वो इन कपड़ों के नीचे ना देखे। तो बीबी शांति ने बिना देखे कपड़े के नीचे हाथ डालकर आटे से रोटियां बना ली। भाई पुल्ला ने सभी को चपाती और दाल परोसी। उनके पास केवल कुछ लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन अब सभी के लिए पर्याप्त भोजन था। सभी गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये कैसे हो सकता है, वे जानते थे कि शुरुआत में थोड़ा सा खाना था और अब सभी के पास ढेर सारा अच्छा खाना था। गांव वालों को एहसास हुआ कि गुरुजी वास्तव में कितने महान थे और उन्होंने अपने प्रियजनों को कैसे बुरा दिखाने की कोशिश की थी। वे गुरुजी के पास गए और उनके चरणों में झुक गए। गुरुजी कभी भी अपने सिखों को अपमानित नहीं होने देते। गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ भी संभव है। वह सिख महान है जिसका गुरुजी पर विश्वास कभी एक सेकंड के लिए भी कम नहीं होता। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।